दक्षिणी कमान अलंकरण समारोह सुदर्शन चक्र कौर के तत्वधान में बैरागढ़ के ईएमई केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें सेना के शूरवीरों का सम्मान किया गया। इस अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नैन परम वरिष्ठ सेवा मेडल, अति वरिष्ठ सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान ने 55 सैन्य कर्मियों को वीरता और वरिष्ठ सर्विस के लिए मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दर्शकों को संबोधित करते हुए सेना कमांडर ने पुरस्कार विजेताओं और यूनिट प्रशंसा प्राप्त करने वालों को बधाई दी और पुरस्कार विजेताओं के असाधारण साहस और प्रदर्शन का अनुकरण करने के लिए सभी रैंकों का आह्वान किया। सेना कमांडर ने अपने संबोधन के दौरान उल्लेख किया कि निस्वार्थ सेवा और वीरता के ऐसे कृतज्ञों का सम्मान करना हमारे शूरवीरों के अतुलनीय साहस, बहादुरी और देश के प्रति समर्पण की पहचान है, जो शब्दों में पूरी तरह बताया जा नहीं सकता, लेकिन सेना में हर रैंक को प्रेरित करता है। आओ करें झुककर नमन उन वीरों को, लहू जिनका देश के काम आया है, वार सीने पर खाकर फर्ज अपना निभाया है। गलवान के नाम से आज देश में कौन अपरिचित है? आज हमारे बीच उनके परिवारजन मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए गलवान के इलाके में अपनी जान गंवा दी। आज हमारे बीच वो भी मौजूद हैं जिन्होंने गलवान के अलावा जम्मू और कश्मीर के इलाके में या सिक्किम के इलाके में अपने बलिदान दिया। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपके प्रियजनों द्वारा देश के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। भारत सदैव आपके इस त्याग का ऋणी रहेगा। है नमन उनको कि जो देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गई हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। इस अवसर पर मैं हमारे पूर्व सैनिकों का भी उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। भूतपूर्व सैनिक हमारे सैन्य परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। आप हमारे वर्तमान और अतीत के बीच की अटूट कड़ी हैं। भारतीय सेना की उच्च परंपरा और शानदार धरोहर आपके खून और पसीने से सींची गई है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।